लंबे समय से हिजाब को लेकर विरोध कर रही हैं। हाल ही में एक महिला ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बीच सड़क पर अपने कपड़े उतार दिए। ऑनलाइन वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश के सख्त इस्लामिक कोड के विरोध में शनिवार को इस लड़की का सब्र का बांध टूट गया। संस्कृति की बात करते हैं, जैसे हमने चंद्रयान की बात की थी, वहां पर हमने देखा कि भारतीय विमेन ने बड़े बड़े जो है मिशन सर अंजाम दिए, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड की जो विमेन है वो आज तक बैड हिजाब एंड गुड हिजाब में ही फंस गई। निर्वस्त्र होकर घूमती लड़की का यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल इस्लामिक ड्रेस कोड का विरोध किया जा रहा है, इनर वियर्स पहनकर ये प्रदर्शन किया गया। यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रोटेस्ट में ये कपड़े उतारे गए। आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च में ये घटना। उस बच्ची ने पिछले मतलब 15 मिनट के उस वॉक ने आज पूरी दुनिया को झिंझोड़ कर रख दिया है और पुरुषों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में क्या महिलाएं अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती, क्या अपने हिसाब से वो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती। देखिए ये तो एक विरोध था, इसलिए उसने इनर गारमेंट्स पहने थे। कपड़े उतारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह घटना शनिवार की है और लड़की ने देश के सख्त इस्लामी ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध में अपने कपड़े उतारे। सिर्फ एक मैसेज देना था उसको कि हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे भारत में कुछ महिलाएं निकलती हैं और उनके साथ कुछ लुंगी छाप मर्द निकलते हैं कि महिलाओं को। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक लड़की अपने सारे कपड़े उतार करके और अपने सिर्फ इनर वेयर में जो है मतलब पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है और पूरे देश को क्या पूरी दुनिया को मैसेज दे रही है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, क्या वो अपने तरीके से आज़ाद ज़िंदगी नहीं जी सकती। अब इसका प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ पर उन्हें हिजाब पहनने पर मजबूर किया जाता है और उन्हें जो है मतलब पूरे तरीके से उनके ऊपर एक बहुत टाइटली टॉर्चर है उनके ऊपर कि हिजाब ज़रूर पहनना है। और इसी का प्रोटेस्ट करते हुए वो लड़की एक सोशल मतलब एक पब्लिक एरिए में अपने सारे कपड़े उतार करके उसने 15-20 सेकंड वॉक किया और ये सिर्फ उन वहाँ की सरकार को सिर्फ ये चीज़ दिखाया कि हम अपने तरीके से आज़ाद होकर जिएंगे और इस तरीके से हिजाब का कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया। पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बात कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिजाब पहनना चाहिए, हू द हेल आर यू, आप होते कौन है हमें समझाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपने एक टैगलाइन देने वाले आप होते कौन है कि हमने रेड लिपस्टिक लगाई तो हम बहुत आवारा है, हम जोर से हंसे हैं तो हम बहुत बहुत बदतमीज हैं, हमने जोर से चिल्लाकर बात किया है तो हमें तो कोई तहजीब ही नहीं है, हमने अगर थोड़े से वेस्टर्न आउटफिट्स पहन लिए हैं तो हमें तो तमद्दन से और शराफत से कोई राबता ही नहीं मिला है। आप हमारे बातचीत से, आप हमारे लिपस्टिक के रंग से, आप हमारे कपड़ों से हमारा कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं कर सकते हैं। बच्ची ने उसका पूरा का पूरा मतलब एक कंटेंट इस पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स को दे डाला। अब आते हैं ईरान के बारे में, जानते हैं कि क्या ईरान पहले से ही इतना कट्टर था, क्या ईरान में पहले से ही गुड हिजाब और बैड हिजाब था, क्या ईरान में पहले से ही औरतों को इतना ज्यादा एड़ियों के नीचे कुचला गया था। तो अब इसके इतिहास को खोलते हैं। ईरान जो कई बार उजड़ा फिर कई बार बसा, ईरान जिस पर कभी पारसियों का एक बहुत बड़ा हक हुआ करता था, ईरान जो अब पिछले कई डेकेड से शिया कम्युनिटी के पकड़ में है और हमेशा अपनी कट्टरता से, अपनी आतंकी सोच और विचार से, विचारधारा से हमेशा चर्चे में रहता है। ईरान जो पिछले कई डेकेड से शियाओं का गढ़ बना हुआ है और अपने ईरान जो के शिया मुस्लिम देश ही हम कहेंगे क्योंकि अब वहां पर तो सुन्नी को रहने नहीं दिया जाता है। हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आकर जब मुसलमान सिर्फ अल्लाह का कलाम पढ़ करके एक होते हैं और मुसलमान के लिए सिर्फ एक ही किताब है वो है अल कुरान, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि अरब और ईरान कभी एक नहीं हो पाया। हमेशा एक ऐसी जंग अरब और ईरान में रही जो किसी के भी वजह से कन्फ्रंटेशन हो जाए, टेबल टॉक हो जाए, कभी भी वो दोस्ती में नहीं बदल पाई। ईरान और अरब को हम यूं देख सकते हैं मानो जैसे सांप और नेवला की लड़ाई। जैसे सांप और नेवला कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं, उसी तरीके से अरब जो सुन्नी कम्युनिटी से भरा पड़ा है और ईरान
जो शिया कम्युनिटी से, अरब है, दोनों कभी भी एक नहीं हो पाए, कभी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम 1950 में जाएं, 1936 में जाएं और उसके बाद फिर 2024 में आए तो आज भी वहीं का वहीं ईरान पड़ा हुआ नजर आता है, सुन्नी और शिया वाला। अच्छा, जहां एक तरफ ईरान अपने नफरती बयान, आतंकी सोच, इस्लामिक कट्टरता की वजह से पिछले कई जमाने से, डेकेड से हम पूरी दुनिया में चर्चाएं आम पर रहता है, वहीं ईरान मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को भी बहुत ज्यादा दिन तक छुपा करके नहीं रख पाया। एक तरफ ईरान के नौजवान ने जब प्रदर्शन करना स्टार्ट किया इस्लामिक कट्टरता की वजह से तो उन्होंने मस्जिद जाना बंद कर दिया। अब एक खबर आती है 2020 और 2021 के दौरान में कि ईरान के 62-68% मस्जिदों पर ताला लग गया है। ईरान के जो मजहबी कट्टरता और मजहबी ठेकेदार बैठे हुए थे वो बहुत सोच में थे कि आखिर इस चीज को हम सॉल्व करें तो कैसे करें। अब ये चीज सॉल्व करने, इकोनॉमिकली अपने आप को बहुत पीछे देखते हुए, टूरिज्म वहां पर जाना नहीं चाह रहा था और हर एक बार कोई ना कोई एक उनके ऊपर मतलब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जा रहा था। कभी नौजवान, कभी जो शिक्षा लेने वाले थे वो शिक्षक होना चाहते थे, लेकिन ईरान के जो मजहबी कट्टरपंथी थे वो चाहते थे कि नौजवान मदरसे जाए, नौजवान मस्जिद जाए, नौजवान यूनिवर्सिटी ना जाए, नौजवान स्कूल ना जाए, नौजवान कॉलेज ना जाए, वो साइंस और टेक्नोलॉजी को ना पढ़े। बस ये विरोध नौजवानों के दिल में उबलता रहा और 2020 और 21 में हमने एक ऐसा प्रदर्शन देखा जिसमें ईरान की मोर देन 68% मस्जिदों पर ताला लग गया। इस दर्द से ईरान और मजहबी कट्टरपंथी अभी उभरे भी नहीं थे और मजहब के ठेकेदार जो इस्लाम के रिचुअल रीति रिवाजों में मुसलमान बेटियों को वहां पर बलि चढ़ा रहे थे, जैसे निकाह मुत्ता, निकाह मसियार ईरान में सबसे ज्यादा ईरान में होता है। और इसी के दौरान में जब अल जजीरा और बीबीसी ने विक्टिमाइज्ड निकाह मसियार और निकाह मुत्ता की विक्टिमाइज्ड महिलाओं के साथ डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाना स्टार्ट किया तो जनता बिलीव नहीं करेगी, व्यूअर्स बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जाकर के गूगल में सर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा कि बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के रिपोर्टर्स को और अल जजीरा के रिपोर्टर्स को कैमरा छुपा कर लेकर जाना पड़ता था और अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा कर लेकर जानी पड़ती थी, क्योंकि ईरान विक्टिमाइज्ड महिलाओं का स्टेटमेंट नहीं लेने देता था। तब जाकर के पता चला कि ईरान में ये मजहबी कट्टरता के पीछे बेटियों का सौदा हो रहा था। इस मजहब के कट्टरता को सामने रख करके अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामिक कट्टर मजहबी बताने वाला ईरान पीठ पीछे क्या कर रहा था, निकाह मसियार और निकाह मुत्ता के नाम पर मुसलमान बेटियों को सरे बाजार बेच रहा था। निकाह मसियार और निकाह मुत्ता शैला यूं हो रहा था जैसे सूरज निकला तो निकाह हो गया और चांद निकला तो तलाक हो गया, बस यूं हुआ था। वक्त की ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है ना कि इतने टाइम के लिए अब शादी है। एग्जैक्टली मर्द अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात, मर्द अपनी जिस्मानी सेक्सुअल डिजायर्स, मर्द अपने बीवी से दूर रहने के फासले को कैसे सॉल्व किया करता था। ईरान में निकाह मुत्ता करके जो कुछ घंटों का निकाह हुआ करता था, निकाह मसियार करके जो कुछ महीनों का निकाह हुआ करता था, निकाह मुत्ता जिसमें थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज मर्द पर होती थी और निकाह मसियार जिसमें कोई लाइबिलिटीज होती ही नहीं थी। तो सफर में जाने वाले मुसलमान मर्द और तिजारत पे जाने वाले मुसलमान मर्द ईरान में इन्हीं निकाह मुत्ता और निकाह मसियार के अंदर जा करके वो अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा किया करते थे। और वो कब गायब हो जाते थे ये ईरान की महिलाओं को पता भी नहीं चलता था कि मेरा शौहर, मेरा काविन, मेरा मिजाजी खुदा कहाँ चला गया। और ये बात कई ईरान की मुसलमान बेटियों ने रो रो कर सुनाया, कई ईरान की मुसलमान बेटियों ने कलप कलप कर सुनाया और तब जाकर के ये बात पूरी दुनिया में चर्चाएं आम पर आई कि ईरान में ये हो रहा है। और उसके बाद फिर ईरान की इकोनॉमिकल पावर, डिफेंस पावर, मिलिट्री पावर, एडुकेशन सिस्टम, टूरिज्म सिस्टम, सब कुछ ध्वस्त होता चला गया और हमने ईरान को जुप करके नीचे आते हुए देखा। हालिया में ईरान बहुत एक्टिव दिखाई दिया,
कि हम भारतीय के लिए, भारत नागरिक के लिए हम वीजा फ्री कर रहे हैं, क्योंकि ईरान इकोनॉमिकली आपकी तरह ही डेविस्टेट होता हुआ दिखाई दे रहा था, ये सारे उनकी अश्लीलता के नंगे नाच को सामने आने के बाद। अब इन चीजों से ईरान के मजहबी ठेकेदार उभर भी नहीं पा रहे थे कि 2022 में, हाँ आई थिंक 2022 सितंबर 2022 माशा अमीनी का केस आ जाता है। माशा अमीनी का केस कुछ ऐसा होता है कि माशा अमीनी हिजाब तो पहनकर निकलती है अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए, लेकिन हिजाब थोड़ा सा बाल दिखाई दे देता है, और वहां की पुलिस जो मजहबी कट्टरता कट्टरपंथी से कहीं ज्यादा डबल ट्रिपल कट्टर है, और वहां की पुलिस की कट्टरता तब सामने आई जब माशा अमीन का केस सामने आया, और वहां की पुलिस को गस्ताए इरशाद कहा जाता है अरबी में, गस्ताए इरशाद कहा जाता है, और उसके बाद पुलिस ने